रविवार को दक्ष प्रजापति चौक पंचकुया पर महाराजा दक्ष प्रजापति की प्रतिमा का अनावरण मुख्य अतिथि उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय और महापौर हेमलता दिवाकर कुशवा विधान परिषद सदस्य विजय शिव हरे द्वारा किया गया। इस अवसर पर प्रजापति समाज के लोग उपस्थित थे। महाराजा दक्ष प्रजापति की प्रदेश में पहली बार प्रतिमा लगाई गई है। कई सालों से पंचकुया चौक पर प्रजापति समाज इस प्रतिमा को लगाने की मांग कर रहा था। रविवार को समाज की मांग पूरी होने पर हर्ष की लहर देखने को मिली। इस मौके पर पहुंची महापौर भी काफी खुश नजर आईं। उनका कहना था, ये चौक महाराजा दक्ष प्रजापति के नाम से कहलाएगा। इस प्रतिमा के अनावरण से समाज और लोगों के बीच एक अच्छा संदेश जाएगा। इस समाज के उत्थान के लिए जो भी बेहतर होगा किया जाएगा। आज पंचकुया चौराहे पर राजा महाराजा दक्ष प्रजापति जी का मूर्ति का अनावरण हुआ है और आज आपने देखा होगा पूरा प्रजापति समाज यहां पर मौजूद था। और मैं अपने इस आपके मीडिया के माध्यम से अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी और यशस्वी मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने प्रजापति समाज के लिए, प्रजापति समाज मतलब कुम्हार समाज, एक ऐसा समाज जो हमेशा गरीबी की रेखा में अपना जीवन यापन करता था और मुझे लगता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण समाज हमारे यहाँ का है ये। प्रतिमा अनावरण के अवसर पर पहुँचे उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय और समाज के लोग भी काफ़ी खुश नजर आए। उन्होंने समाज के योगदान को याद करते हुए कहा कि दक्ष समाज ने देश सेवा में बहुत योगदान दिया है, इसको भुलाया नहीं जा सकता। दक्ष महाराज हम सबके लिए सांस्कृतिक चेतना और आध्यात्मिक चेतना के प्रतीक है। दक्ष जी वो शख्सियत है हमारी पुराण की, जिसमें ब्रह्मा जी ने उनको निर्देशित किया था कि अपने अंदर वो शक्ति पैदा करें जिससे दुर्गा जैसी महाशक्ति उनके पुत्री के रूप में अवतरित हो, और उन्होंने हजार साल की तपस्या के बाद वो पुत्री के रूप में दुर्गा माता को अपने आप पाया और उसके बाद वो शिव जी को अर्पित हुई। और शिव जी ने, और हम आज जो जयकारा लगाते हैं पार्वती पते हर हर महादेव, ये दक्ष जी की कृपा है और उसके लिए उनके लिए हम महाराज दक्ष चौक पंचकुया आगरा पर महाराज दक्ष प्रजापति जी की प्रतिमा का अनावरण हुआ है, जिसको हमने चार साल के संघर्ष के बाद स्थापित हुई है। और इस प्रतिमा को स्थापित कराने में काफ़ी अड़चने आई समाज के लोगों द्वारा, जनप्रतिनिधियों द्वारा, सभी पूर्ण सहयोग के बाद और अपने अशोक गोला जी, श्रेयल गोला जी और नवीन जी के मार्गदर्शन करते हुए आज ये प्रतिमा यहाँ महाराज दक्ष जी की स्थापित हुई है, जिसमें प्रजापति समाज में खुशी की और हर्ष का विषय है और सभी लोग खुश हैं कि आज आगरा में पंचकुया चौराहे पर और उत्तर प्रदेश में पहली प्रतिमा स्थापित हुई है, जिसमें सभी में अपने जनप्रतिनिधियों का और समाज के लोगों का आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूँ। महाराजा दक्ष प्रजापति की प्रतिमा ये पहली प्रतिमा है जो आगरा के पंचकुया चौक पर सभी के प्रयास से लगी है। इसके लिए नगर निगम ने प्रतिमा लगाए जाने के लिए प्रस्ताव पास किया, उसके बाद इस प्रतिमा का अनावरण हो पाया है। उसके लिए समाज के लोगों ने महापौर हेमलता दिवाकर कुशवाहा का आभार जताया। मून न्यूज़ के लिए राकेश शुक्ला की रिपोर्ट।